सिखाऊंगी ये न्यू डिजाइन का डोरमेट। ये देखें कितना सुंदर बना है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। ये देखो मैंने 16 फिंदे डाल लिए हैं और ये 3 कलर लिए हैं। तो देखें ये देखें इस तरह से हम शुरुआत से ये कलर लगा लेंगे। आप चाहें तो फटी पुरानी साड़ी या चुन्नी भी ले सकती हैं। ये देखें 2 फिंदे मैंने बगैर बुने हुए छोड़ दिए, सिलाई को मैंने पलट लिया है। ये देखो ये भी हमने सिलाई पूरी कंप्लीट की। आप देखें अब ये वाला कलर लगा लेंगे। ऊपर की तरफ से हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ नीचे की साइड से हम 2-2 फिंदे बगैर बुने हुए छोड़ते जाएंगे। अब ये ब्लू वाले फिंदे 2 छूट जाएंगे। ये देखो 2 छोड़ दिए, सिलाई को मैंने यहीं से पलट लिया है। इसी तरह से हमें ऊपर तक बना। ये देखो ये हमने पूरी कली बना के तैयार कर ली। अब देखो इस वाले कलर से, ये पिंक वाले से पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे। फिर जिस तरह से हमने इसको बनाया है इसी तरह से एक कली और बनानी है। 2 सिलाई निकालने के बाद फिर से हम 2-2 सिलाई दोनों कलर की निकालते जाएंगे और ऊपर की साइड बढ़ते जाएंगे। तो इसी तरह से मैं दोनों कलियों को बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एक कली बन चुकी है, एक और बनानी है। ये देखो 2 कली मैंने बना ली, 1-2। अब देखें आगे का हम किस तरह से बनाएंगे। ऊपर की साइड से देखें, अब हम ये वाला कलर नहीं लगाएंगे। 4 बुन लिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10 6 फिंदे मेरे पास नीचे की साइड के हैं। तो देखें ये वाला कलर हम इसमें लगाएंगे। ये देखें 4 फिंदे हम इस वाले कलर से बिनेंगे। आप फिंदे डालेंगी ज़्यादा तो यहाँ पे 8 फिंदे रखिएगा। जैसे आप 24 का बना रही हैं तो 8 फिंदे रखिएगा, 32 का बना रही हैं तब भी 8 फिंदे रखिएगा। इस तरह से ये बनेगा। अब यहाँ पे देखें एक फिंदे से हम 2 फिंदे बनाएंगे। ये देखें बना लिए और इस वाली सिलाई को सीधा बनाएंगे और सिलाई को पलट लेंगे। तो एक फिंदे को बढ़ा लिया मैंने सीधी साइड से। अब इधर से हमें नहीं बढ़ाना है, देखें 2 फिंदे ऊपर की तरफ से ये पिंक वाले ग्रीन हो जाएंगे। और ये ग्रीन वाले 2 फिंदे मैं नीचे की साइड पे छोड़ दूंगी। सिलाई को अपनी तरफ कर लिया। अब जो जैसा कलर है उसी कलर से बनाना है। ऊपर की साइड फिर से देखें, एक फिंदे को हम फिर से बढ़ा लेंगे। यहाँ देखें एक फिंदे से 2 फिंदे इस तरह से। इसी तरह से ऊपर फिंदे बढ़ते जाएंगे और ये वाले फिंदे ग्रीन ऊपर जाते रहेंगे। तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ कितने फिंदे मैंने बढ़ाए। देखो हमने 4 फिंदे ऊपर की साइड पे बढ़ा लिए। अब देखें
यहाँ से हमें दो का एक करना है इस तरह से। अब यहाँ देखें दो थे इस तरह से, दो बिन लिए, दो इधर से बिन लेंगे ये, और सिलाई को पलटते जाएंगे। इसे देखें यहाँ दो का एक, फिर दो फिंदे ये ग्रीन वाले विंग हो जाएंगे, ये देखें दो उठा लिए, वो सिलाई को पलटते जा रहे हैं। इसी तरह से नीचे तक मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको, ये देखो हमने इसको बना लिया है। अब देखो इधर से पूरी रो को हम ये पिंक कलर से कंप्लीट करेंगे। ये देखें सारे फिंदे हमने इस तरह से बुन लिए, अब हम इधर से भी बुन लेंगे। अब देखो इस वाली कली को रिपीट इधर करना है, जिस तरह से इधर बनाया उसी तरह से इधर भी बनाना है। तो इधर हमने दो बनाई थी, इधर हमें चार कली बनानी है, एक दो और दो और बनाएंगे इसी में। चार कली बनाने के बाद फिर ये वाली कली बनाएंगे, फिर दो कली बनाएंगे, उसके बाद ये इतने फिंदे हम उतार देंगे। ये एक बार देख लें ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ये देखो इस तरह से दो दो सलाई हम निकालते जाएंगे और चार कली बना लेंगे। चार कली के बाद हमें ये बीच वाली एक पत्ती स्टार्ट करनी है पिंक और ये ग्रीन से, बनाएंगे इसी तरह से। ये देखो अब सिलाई को यहीं से हम पलट लेंगे, तो ये कली स्टार्ट हो गई। इसी तरह मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो मैंने आपको 16 फिंदे में बताया है, ये मैंने 24 फिंदे में बनाया है, ये बड़ा बनाया है। और ये देखें इस तरह से बनाया है, यहाँ पे देखें एक कली, दो, तीन, चार, चार के बाद ये पत्ती बनाई है। यहाँ पे मैंने 8 फिंदे लिए थे, आपको मैंने 4 फिंदे यहाँ पे लेके बताया है। फिर देखें एक दो, इस तरह से ये बना के मैंने कंप्लीट किया है। अब देखें यहाँ से मैं इसको सिल दूंगी। इस तरह से सिल लेती हूँ। ये देखो मैंने बना लिया है, इसको कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से और बड़ा बनाना चाहें तो और बड़ा बना सकती हैं।